नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैं अपने छत पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, जो कि मैं मार्च से ही कर रही हूँ और अब वो ख़त्म होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर भी किया जाए। तो जितने भी पुराने पार्ट थे मेरे, पुरानी मिट्टी थी, तो उन सबको मैं कैसे उपजाऊ बनाती हूँ, क्योंकि साल में एक बार मैं अपने छत के सारे पार्ट को खाली करती हूँ और पलट देती हूँ पूरा, और पलटने के बाद फिर से उसे भरती हूँ। तो कैसे भरती हूँ ये इस वीडियो में जानेंगे, और क्यों साल में एक बार पाट की मिट्टी को पलटना ज़रूरी है ये भी जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि इस तरह के बड़े बड़े ग्रो बैग या पाट को हम बहुत ही कम मिट्टी में कैसे भर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो एक तरफ से देखिए दोस्तों, सारे बॉक्स को मैं खाली करके दोबारा से भर दी हूँ, और भरने के बाद कवर करके नमी बना करके इस तरह से छोड़ दी हूँ। और इधर देखिए, इन बॉक्स को मैं भी भर ली हूँ दोबारा से, और यहाँ पर एक बॉक्स बचा था, तो इसे मैं अभी पलटूंगी इसकी मिट्टी को। और यहाँ पर देखिए, ये टूट भी गया है, तो इसे भी बनाऊँगी। और इस मिट्टी को पलटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि साल में एक बार अपने पाट को खाली करना क्यों ज़रूरी है। पाट को मैं पलट ली हूँ, और पलटने के बाद देखिए, ऊपर की जो मिट्टी थी वो तो एकदम भुरभुरी थी, क्योंकि मैं कई बार इसमें धान की भूसी और कंपोस्ट वगैरह डाल करके फिर से सब्जियां लगा दी थी बिना पाट खाली किए हुए ही। लेकिन देखिए, नीचे की मिट्टी जो है कि एकदम, देखिए आप, एकदम कड़ी है, इस तरह से सख्त हो गई है, और इसमें एक भी धान की भूसी और जो किचन वेस्ट और सूखे पत्ते जो हम डालते हैं किसी का भी पता नहीं है, और एकदम देखिए कड़ी मिट्टी हो गई है। और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए बहुत सारी चींटियाँ जो हैं कि अपना घर बना लेती हैं इस तरह से पाट की मिट्टी में नीचे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चींटियाँ हैं छोटी छोटी, और जो सूखे पत्ते, देखिए अभी मिट्टी आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से देखिए गुड़ाई करने पर भी ये मिट्टी जो है कि निकल नहीं रही है, मतलब बहुत ही कड़ी हो गई है नीचे की मिट्टी। तो इसलिए हमें पाट को ज़रूर से एक बार खाली कर देना चाहिए। और देखिए, जितने भी मैं सूखे पत्ते डाली थी नीचे, तो लेयर बाय लेयर ही हम डालते हैं सूखे पत्ते या किचन वेस्ट। तो किचन वेस्ट तो डिकम्पोज हो जाता है और उसमें मिल जाता है मिट्टी में, लेकिन देखिए ये जो सूखे पत्ते मैं डाली थी, तो ये क्या हुआ है, डिकम्पोज तो हो गया है, बट लेयर बाय लेयर उसी तरह से ये बैठ गया है नीचे। तो यदि हम फिर से इसे, इस पार्ट को बिना खाली किए हुए ही यदि सब्जियां लगाएंगे, तो ये देखें नीचे की मिट्टी जो है कि वो भुरभुरी नहीं होगी। ऊपर की मिट्टी तो भुरभुरी होगी, वेल ड्रेन होगी, लेकिन जो नीचे लेयर बाय लेयर मिट्टी बैठती गई है और देखिए इतना सख्त हो गई है, तो जो जड़ होगा हमारे सब्जियों की, क्योंकि इस समय तो गर्मी का समय चल रहा है, तो आने वाली सब्जियां जो है कि हम बरसात में लगाएंगे, तो वो बेलवर्गीय सब्जियों के जो रूट होते हैं वो नीचे तक नहीं जा पाएंगे और उनका अच्छी तरह से विकास नहीं होगा। तो इसलिए मैं हर साल में एक बार गर्मी के समय सब्जियां नहीं लगाती और अपने सारे पाट को इसी तरह से धीरे धीरे खाली करती हूँ और फिर से उसे भरती हूँ। तो अभी तो मैं सबको इसे खाली कर लूँगी, और इसके बाद कैसे भरती हूँ ये भी आपको दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, जो ये बॉक्स टूट गया था, तो इसको मैं रस्सी से बांध दी हूँ अच्छे तरीके से, और इसमें देखिए जितने भी ड्रेनेज होल बनाई थी उसको कवर करने के लिए मैं प्रयोग की हूँ ये धान की भूसी, ये राइस हस्क है, धान की भूसी एक लेयर मैं डाली हूँ ताकि ड्रेनेज होल सही रहे
और इसमें से पानी निकलता रहे। तो ये तो डाल दी, अब इसमें मैं डालूँगी मिट्टी। देखिए एक लेयर मिट्टी डालेंगे, अब इसमें सूखे पत्ते डाली हूँ मैं, क्रश कर ली हूँ ताकि इस बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सूखे पत्ते भर सकूँ। और हल्का हल्का दबा दें इसे। देखिए आधा बॉक्स भर ली सूखे पत्ते से। अब इसमें थोड़ा सा मिट्टी और डालूंगी, और ये पुरानी मिट्टी है दोस्तों, जो नीचे जितने भी हाफ डिकम्पोज पत्ते थे उन्हीं को क्रश करके मैं मिक्स कर ली हूँ मिट्टी में, और कुछ मिलाई नहीं हूँ। और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा किचन वेस्ट है, इसे भी चारों तरफ बिखेर देंगे। अब फिर से सूखे पत्ते डालूंगी, तो मेरे बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सूखे पत्ते ही रहते हैं। और इसे हल्के हल्के हाथ से इस तरह से दबाते जाएंगे। इस तरह से पाट भरते समय इसमें मिट्टी बहुत ही कम लगती है और बहुत ही अच्छी सब्जियां होती हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी ड्राई मटेरियल हैं मतलब सूखे पत्ते और किचन वेस्ट, ये सब धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। आप देखिए पूरा बॉक्स भर दी मैं सूखे पत्तों से, अब ऊपर से एक लेयर मिट्टी और डालूंगी। ये तो मेरी पुरानी मिट्टी है, तो यदि आप पहली बार इस तरह से बड़े बड़े पॉट भर रहे हैं, ग्रो बैग भर रहे हैं, तो आप नई मिट्टी का प्रयोग करिएगा। अब इस तरह से इसी मिट्टी से मैं सारे इन सूखे पत्तों को कवर कर दूंगी। इसी तरह से सारे बॉक्स मैं पलट करके फिर से भर दी हूँ दोस्तों, ताकि मेरी जो पुरानी मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी तरह से उपजाऊ बन जाए। जितने भी ये ड्राई मटेरियल हैं और किचन वेस्ट है वो सारा डिकम्पोज हो जाए, और मैं जब बरसात में सब्जी लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मटेरियल जो मैं नीचे डाली हूँ वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के एक शक्तिशाली कंपोस्ट बन जाएंगे, जिससे जब भी आप इसमें सब्जियाँ या कोई पौधा लगाएंगे तो वो ग्रो करते रहेंगे, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती रहेगी आपको। अब मिट्टी डालने के बाद क्या करें कि इस मिट्टी में नमी बना दें अच्छी तरीके से, और नमी बनाने के बाद इसे कवर करके हम छोड़ देंगे, और जब भी आएंगे देखेंगे दूसरे तीसरे रोज़ तो इसकी नमी अगर सूखी सूखी लग रही है ऊपर की मिट्टी तो फिर से इसमें पानी डाल देंगे। मतलब नमी बराबर बना के रखना है, जिससे कि सूखे पत्ते
डिकम्पोज तो नहीं लेकिन हाफ डिकम्पोज जरूर से हो जाएंगे और ये मिट्टी कुछ बैठ जाएगी। मतलब ये पार्ट देखिए आपको पूरा भरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जब डिकम्पोज हो जाएगा, हाफ डिकम्पोज हो जाएगा तो ये मिट्टी बैठ जाएगी। तो ऊपर से जब मुझे सब्जियां लगाना होगा तो थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट वगैरह मिला करके थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी और इसके बाद कोई भी सब्जी लगा दूंगी। तो इस तरह से यदि आपके पास पुरानी मिट्टी है तो उसे आप रिचार्ज करें, मतलब उसे फिर से शक्तिशाली बना दें, क्योंकि बार बार सब्जियां लगाने के बाद हमारी जो पुरानी मिट्टी होती है थोड़ी सी शक्तिशाली नहीं रहती उतनी, क्योंकि हरासमेंट हो जाता है। और आप देखेंगे कि खेतों में भी इस समय किसान जो है कि अपने खेतों को थोड़ा 2-3 महीने के लिए रेस्ट पर छोड़ देता है। तो इसी तरह से मैं अपनी पुरानी मिट्टी को थोड़ा रेस्ट लेने दूंगी ताकि बरसात में जब भी मैं सब्जियां लगाऊं तो मुझे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग हो। तो इस तरह से आप भी अपने ग्रो बैग पार्ट, बड़े से बड़े पार्ट को भी आप भर सकते हैं। यदि आप नए हैं या पुराने हो या बगिया भी बनाना चाहते हैं तब भी आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप जुलाई के महीने में अपना एक छोटा सा ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ कि यूजफुल ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।